नमस्कार दोस्तों, पोर्ट डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी एक बैंगन से रेसिपी शेयर करूंगी। एक बार आप जरूर बना के देखिएगा। ये रेसिपी रोटी चावल किसी के साथ भी खाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो रेसिपी देखिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की रेसिपी शुरू करते हैं, और आज के लाइक का गुण रखते हैं 1000। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया यहाँ पे एक आलू, आलू को पील करके रखा हुआ है। यहाँ पे एक मीडियम साइज के टमाटर ले लिया है, और लिया एक बैंगन। बैंगन को अच्छे से धो लिया है, टमाटर और आलू को भी धो लिया है। बैंगन को हम 4 टुकड़ों में पहले काट लेंगे, और आलू को भी हम टुकड़ों में काट लेते हैं। टमाटर को 2 टुकड़ों में काट लिया है, आलू को हमने 4 टुकड़ों में काटा है ताकि बॉयल होने में ज़्यादा टाइम ना लगे, और बैंगन को मैंने 8 टुकड़ों में काट लिया है। देखिए पीस इतना बड़ा रखा है ताकि बॉईल होते टाइम ज़्यादा टाइम ना लगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। एक कढ़ाई में हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी को हम हल्का पहले गर्म कर लेंगे। पानी जब हमारा हल्का गर्म हो जाए, हम डाल देंगे यहाँ पे बैंगन, आलू। 8 से 10 मिनट का टाइम लगेगा आलू और बैंगन को अच्छे से सॉफ्ट होने में। तो 5 मिनट हम पहले आलू बैंगन को बॉईल करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे टमाटर। टमाटर को बॉईल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो गैस का फ्लेम मीडियम करके ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम डालेंगे यहाँ पे टमाटर। 5 मिनट बाद हम डाल देंगे यहाँ पे टमाटर। गैस का फ्लेम मीडियम करके 5 मिनट के लिए और हम बॉईल करेंगे। 10 से 12 मिनट हो गए, आलू और बैंगन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, और आलू, टमाटर, बैंगन को हम टोकरी में छान लेंगे। 2 मिनट बाद जब हल्का ठंडा हो जाए, हम बैंगन और टमाटर के जो छिलका है उसे उतार लेंगे। देखिए बैंगन और टमाटर के छिलका उतारने के बाद हम एक मैसर की मदद से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हो, या ग्लास के जो पीछे का पार्ट है उससे भी आप कर सकते हो। तो अच्छे से हमें मैश कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक बड़े से थाली में किया है ताकि अच्छे से मैश करने में हमें मदद मिले। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। गरम गरम चावल के साथ, रोटी के साथ खाने में आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। भरता तो आपने बहुत बार खाए होंगे, बस एक बार आप इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा। अच्छे से मैश करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1 बड़े चम्मच के सरसों का तेल। कच्चा सरसों का तेल है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, नमक डालेंगे स्वादानुसार, तीन हरी मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है, तीखा आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, और एक मीडियम साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे बैंगन, आलू, टमाटर में। इसमें जो हरी मिर्च का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आते हैं। थोड़ा सा ये तीखा ज़्यादा अच्छा लगता है रोटी चावल के साथ खाने में। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाला है, नमक अब अपने स्वादानुसार डालिएगा। तो एक बार अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मैंने सभी चीज़ें मिक्स कर लिया है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बनाइए, रोटी चावल के साथ सर्व कीजिए, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी से आप गरम गरम चावल, रोटी कुछ भी खा सकते हो। तो आज की रेसिपी बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।